माई डियर स्टूडेंट्स पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और किस तरह से हमें उसको आंसर देना है एंड ऑल दो मैं क्विकली आपको एक बार अपने सिलेबस दिखा दूंगा हम इस तरह से एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे इवन दो यू माइट बी नोइंग बट विल स्टार्ट फ्रॉ द बेसिक्स विल सी वॉट इज सीमेंट विल सी वॉट आर द डिट्स ऑफ सीमेंट्स अ ग्रेड ऑफ सीमेंट फिर सीमेंट का टेस्टिंग कैसे किया जाता है वट आर द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सीमेंट ओके देन हाउ हाउ डू यू डू द स्टोरेज ऑफ अ सीमेंट तो इस तरह से हर एक चीज फिर इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम फिर अपने कोटबुक में क्या है किस तरह से उसको समझना है वॉट इज अ डिफरेंस बिटवी नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स ओके देन वट इज़ क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट देन विल ट्राई टू वॉट इज वर्केबिलिटी वॉट इज प्लास्टिसाइजर्स ओके

तो वेरी बेसिक मीनो सीमेंट इज अ बाइंडर राइट अगर मैं आपको कोई भी दो चीज दे दूँ एंड इफ आस्क यू टू डू द बाइंडिंग ऑफ दैट और अगर मैं आपको बता इन दोनों को जोड़ के दे दो द फर्स्ट क्वेश्चन इन आज में सर एक ग्लू दे दो या फेविकॉल दे दो तो फेविकॉल इज लाइक अ बाइंडर इन द सेम वे इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सीमेंट इज अ बाइंडर व्हिच बाइंड्स एनी टू मटेरियल्स राइट प्रीटी वेरी सिंपल आंसर आपको देना है कि सीमेंट एक बाइंडर है जो कोई भी दो मटेरियल को बाइंड करता है तो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सीमेंट क्या करता है तो सीमेंट इज हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक्लाइम विच कैन सेट इन डैम कंडीशन एंड इन वॉटर द फर्स्ट सीमेंट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन दटीन सेंचुरी बाय पर्सन कॉल्ड जोसेफ एसपीड एंड दिस वन मोर पर्सन बाय नेम एम विकेट एंड दे कॉल इट अ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ठीक है

एटीन सेंचुरी से पहले भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुआ था दैट मीन सीमेंट वॉज नॉट अवेलेबल हम लाइम को यूज कर रहे थे ऑफकोर्स लाइम के साथ हम जैगरी और बहुत सारे मटेरियल्स को हम यूज कर रहे थे पर वी आर यूजिंग लाइम सो लाइम एक्चुअली क्या लाइम में क्या प्रॉब्लम था लाइम का जो सेटिंग होता है बहुत स्लो होता है इट्स अ स्लो सेटिंग अगर आपने दो ब्रिक को जोड़ा और उसके अंदर आपने लाइम लगा के उसको जोड़ाए तो बहुत तीन चार पाँच छः सात दिन के बाद ना उसका बाइंडिंग होता था क्योंकि इट्स अ स्लो सेटिंग अभी वो एक्चुअली हमें प्रॉब्लम था अब छोटे मोटे स्ट्रक्चर ठीक है वेन यू गोइंग फॉर हाईराइज बिल्डिंग्स एंड ऑल फिर उसका उसमें बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि बहुत स्लो सेटिंग था तो दैट इज वाई व्हाट वी डिड वी मेड यूज ऑफ अ सीमेंट अब सीमेंट भी क्या है सीमेंट इज अ आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम मतलब लाइम ही है पर वो प्योर लाइम नहीं है जो तो पुराने जमाने में हम क्या कर रहे थे वी आर यूजिंग अ प्योर लाइम अभी हमने क्या किया उसी लाइम में हमने इम्प्यूरिटीज को ऐड कर दिया दैट रिजल्टेड इन द सीमेंट आपको इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा आई गो टू द हिस्ट्री ऑफ दैट ओके देखो ये मेरे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स है वहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है पर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा वट एक्जैक्टली यू मीन बाई दैट ओके विल स्टार्ट विद दैट ओके देखो यहाँ पे जो सीमेंट है ना सीमेंट में क्या क्या रॉ मटेरियल से विल ट्राई टू सी सीट तो मटेरियल्स फॉर द सीमेंट ओके एक आपका लाइमस्टोन रहेगा सेकंड आपका क्ले रहेगा लाइमस्टोन इज स्टोनियस मटेरियल एंड क्ले इज अर्जिलेशियस मटेरियल तो ये आपके सीमेंट के अंदर जो जो इनग्रीडियंट्स है दिस आर द इनग्रीडियंट्स वॉट वी हैव हाँ। जो आपने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है लाइम है सिलिका रहेगा अल्यूमिनियम रहेगा आयन ऑक्साइड मैग्नीशिया सल्फेट्स एंड अल्कलीस क्या इसमें लाइम है एक्जैक्ट इसमें लाइम है कितना परसेंटेज लाइम है टू इसमें लाइम है ठीक है इसलिए मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम है मतलब लाइम भी है पर पूरा हंड्रेड परसेंट नहीं है कितना है देखो मैं आपको बहुत डीप लेवल पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतने आपको याद रखना है इंटरव्यू सब बोलने की जरूरत नहीं बट यू शुड नो द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस तो कितना परसेंटेज है सिक्सटी सेवन मतलब और भी कितना बचा हुआ है सिक्सटी सेवन मतलब थर्टी थ्री परसेंट इज पेंडिंग अब ये जो 33 है ना हमने क्या कर दिया? सिलिका, हम क्या करे थे लाइम को पूरे हंड्रेड परसेंट प्योर लाइम को यूज कर रहे थे अभी हम क्या हम लाइम को यूज करेंगे पर उसमें हमने इम्प्योरिटीज को ऐड कर सीमेंट ओके इसलिए सिलिका एल्यूमिन आयन ऑक्साइड मैग्नीशिया ज इम्प्यूरिटीज अभी पूरे मिला के हंड्रेड परसेंट हो जाएगा ठीक है वेटी सिंपल इतना क्लियर हो गया बस ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो इट्स वेरी सिंपल चलो तो अगेन वन मोर थिंग जो मैंने वहां पे ऐड नहीं किया दे मैं के वट आर द दट आर द कंपोजिशन और वट आर द इग्रीडियंट्स प्रेजेंट इन द सीट तो आपको बताने की लाइम लगभग सिक्सटी थ्री से सिक्सटी सेवन परसेंट रहेगा या आप सिक्सटी सेवन परसेंट भी बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं कोई टेक्स्ट बुक में सेवेंटी होता है कोई टेक्स्ट बुक में सिक्सटी होगा डजेंट मैटर सिक्सटी टू सेवेंटी इज अ रेंज सिलिका आपको यूज़ करना है वो आपको सेवेंटीन से ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको रखना है एल्युमिना भी आपको याद रखना है इज थ्री टू एट परसेंट आयरन ऑक्साइड पॉइंट फाइव टू सिक्स परसेंट रहेगा फिर मैग्नीसिया वन टू थ्री परसेंट रहेगा सल्फेट्स वन टू थ्री परसेंट रहेगा अल्कलीस लेस देन वन परसेंट इतना याद रखना है काफ़ी है द मैं आस्क यू कि इसमें क्या क्या इन्ग्रियंट्स रहेगा सीमेंट में जस्ट ट्राई टू टेल दिस आंसर ओके चलो इतना क्लियर है गुड या सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे तो दिस इज दैट इज वाई आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइक ठीक है और भी बहुत सारी चीजें मैं बाद में आऊंगा इसको अभी इतना याद रखना इट्स अंडरस्टूड चलो या। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट बताओ अब अगर आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बुक देखा है एम एस शेटिया जो भी होगा देर आर मोर देन एटीन टू ट्वेंटी टाइप्स ऑफ सीमेंट सबको याद रखने की जरूरत नहीं है तो बेसिकली इतना याद रखो एक होता आपको cement which is called as ordinary Portland cement, है आपको ओपीसी सीमेंट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट फिर आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्विक सेटिंग सीमेंट हाई अलूमि सीमेंट पोर्टलैंड स्लैक सीमेंट लो हीट सीमेंट एयर एंट्रेनिंग सीमेंट व्हाइट सीमेंट कलर सीमेंट पोर्टलैंड पोजनल सीमेंट अगेन इसमें भी आप आपका तीन या चार भी याद रखोगे तब तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इट देखो जब आप इंटरव्यू में जाओगे ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए नहीं जो आप बताओगे यू शुड मेक श्योर आप हंड्रेड परसेंट सही से बताओगे अगर आपको इतना याद रखने अगर इतना याद नहीं रख सकते तो चार ही याद रखना ओपीसी तो आप याद रख सकते हो नॉर्मल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है पीपीसी भी आप याद रख सकते हो दैट इज पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट फिर आप ना क्विक सेटिंग सीमेंट को याद रख सकते हो यू कैन रिमेम्बर लो हिट सीमेंट काफी है right? अगर आपके पास इतना ताकत है देन यू कैन से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है कलर्ड सीमेंट होता है और उसके बाद और क्या है वाइट सीमेंट है फिर पोर्टलैंड स्लैक सीमेंट यू कैन रिमेंबर नॉट एन इश्यू ठीक है इतना क्लियर है बस तीन चार जो आपके फेवरेट से वो आपको याद रखना है चलो ठीक है आप ये सारे चीज़ मैंने इमेज डाल दिया कि मेरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है फिर आपका व्हाइट सीमेंट आएगा लो हीट सीमेंट फिर हाई सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एंड हाइड्रोलिक सीमेंट ठीक है इतना क्लियर है चलो काफ़ी है मैं इसका और भी एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी के लिए इतना काफ़ी है इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है ऑल दो थिंग्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अभी के लिए इतना याद रखो नेक्स्ट वट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट वेरी सिंपल वी हैव थर्टी थ्री ग्रेड सीमेंट वी हैव फोटी थ्री ग्रेड सीमेंट एंड वी हैव फिफ्टी थ्री ग्रेड सीमेंट ऐसा बताने आपको इंटरव्यू में और आपको ये भी बताना है कि थर्टी थ्री ग्रेड का सीमेंट आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है

एंड इसमें हम सीमेंट भरेंगे वन इज टू थ्री रेशियो में आप चाहे तो फोर्टी थ्री ले लो या फिफ्टी थ्री ले लो लेटेस्ट कंसिडर हमने फिफ्टी थ्री का लिया वन इज टू थ्री रेशियो में हमने थोड़ा पानी डाल के इसमें हमने मिक्सिंग किया है ठीक है और अठाईस दिन के बाद हम मतलब हम इसको निकालेंगे ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद छोटे छोटे क्यूब्स आएंगे इसको हम पानी में रखेंगे अट्ठाईस दिन तक क्यूरिंग के लिए एंड फिर इसके ऊपर जब हम कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे ना तो हमें तीनों सैंपल का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो हमें 53 न्यूटन से ज्यादा आना चाहिए क्योंकि हमने 53 का किया था तो 53 से हमें ज्यादा आने से जो हमने है, that is a 53 अगर 53 से बहुत कम आ गया मींस आपने जो मंगवाया है ना सीमेंट दैट इज नॉट अ 53 ग्रेड सीमेंट शायद हो सकता है आपको उस सीमेंट में कि, आ, किसी कंपनी वाले ने कुछ मिक्सिंग किया होगा तो दैट इज व्हाई Uh, क्या होगा उसका स्ट्रेंथ कम हो गया तो जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते जब भी सीमेंट का बैग आता है जैसे अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट में काम मिल गया एंड इफ ए वर्किंग एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर आप तो सीमेंट मंगाओगे डायरेक्टली जब सीमेंट आएगा आपके साइट पे या गोडाउन में आपको डायरेक्टली उसको यूज नहीं करना है आपको ये सारे टेस्टिंग करना है उसके ऊपर तब जाके हम इसको बताएंगे कि ठीक है जो हमने ऑर्डर किया है कियाचुअली फिफ्टी थ्री ग्रेड सीमेंट एंड देन ओनली वी अलाउ इट फॉर द कंस्ट्रक्शन नहीं तो क्या होगा कल आपने इसको बिना टेस्टिंग आपने यूज़ किया और आपको पता चला कि बाद में ये तो फिफ्टी थ्री का नहीं था तो तो ग्रेड का था तो जो भी आपने पूरे डिजाइन किया था स्ट्रक्चर का अगेन इट्स गोइंग टू बी आई मीन फेल फेल डिपेंड करेगा होगा नहीं बट इट्स नॉट अ राइट वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक है दैट इज ऑलवेज जो भी मटेरियल्स आते हैं ना अपने कंस्ट्रक्शन में वी हैव टू डू द टेस्टिंग ऑन दैट सिंपल इतना क्लियर हो गया चलो काफी सो आफ्टर दिस लास्ट वन मोर क्वेश्चन विल टेक इन दिस लेक्चर नेक्स्ट आएंगे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ सकते कि आप अलग अलग कंपनीज का नाम बताओ जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अब देखो अल्ट्राटेक सबको पता है ए भी सबको पता है फिर बिरला भी सबको पता है ठीक है ये सारे, सा, सारे कंपनी सबको पता है हो सकता है आपको इंटरव्यू ने कुछ और पूछ ले मुझे ये सब सुनना नहीं है मुझे अल्ट्राटेक का नाम नहीं चाहिए मुझे ए का नाम नहीं चाहिए मुझे बिरला का नाम नहीं चाहिए और मेरे मेरे को ए का नाम नहीं चाहिए इसके अलावा और कुछ बताओ तो इन दैट केस यू शुड बी बिट अलर्ट आपको एक दो तीन ऐसा नाम याद करके जाओ जो बहुत कम ही लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल भारतीय सीमेंट बहुत कम लोगों ने सुना होगा फिर आप रैमको सीमेंट इट्स अ फेमस ब्रांड आप इसको याद करके मलबार सीमेंट आप याद करके जाओ ठीक है फिर आप अंजनी सीमेंट को याद करके रहो मतलब देखो यूजुअली ऐसा नहीं होता है पर समाइम्स इट सो दैट इज वाई ऑलवेज बेटर आप फेमस नाम भी याद रखो और जो बहुत कम नाम मतलब जो कम ब्रांडिंग है ओके फॉर एग्जाम्पल पेन्ना सीमेंट बहुत कम लोगों को पता है भारतीय सीमेंट कम लोगों को पता है मलबार सीमेंट कम लोगों को पता है ये दो तीन नाम आप याद करके चले जाओ एवरी चांस दैट यू मे गेट यू यू मे मे गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन अ सीमेंट बैग बी स्टोर्ड विदाउट कंज्यूम मतलब कितने दिन तक आप अपने सीमेंट बैग को रख सकते हो बिना यूज करें तो उसके लिए एक्चुअली आंसर क्या है आप कितना भी दिन रख सकते हो ऐसा कुछ नहीं पर एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा सीमेंट के बैग के ऊपर कि आपको तीन महीने तक ही यूज़ करने मतलब तीन महीने के अंदर यूज करना जैसे मान लो आज है सितंबर छः तारीख तो सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर से अक्टूबर अक्टूबर से नवंबर नवंबर से दिसंबर तीन मतलब दिसंबर छः तारीख तक मुझे अपने सीमेंट बैग को यूज़ करना है उसके बाद भी अगर आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो पर उसके ऊपर आपको टेस्टिंग करना है फिर आप इसका टेस्टिंग करोगे उसका फाइनेस आप टेस्टिंग करोगे फिर उसके ऊपर आप ना अपना कंपनी असिस्टेंट टेस्ट का भी करोगे अगर उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको लग रहा है नहीं फिफ्टी थ्री ग्रेड का हमने मंगवाया था तीन महीने के बाद भी फिफ्टी थ्री ग्रेड का ही स्ट्रेंथ आ रहा है तो आप यू कैन यूज दैट ओके बट सीमेंट के बैग के ऊपर सिर्फ तीन महीने का एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोवाइडेड यू हैव टू डू अ प्रॉपर टेस्टिंग ऑन दैट अब ना यहाँ पे एक चार्ट है एज ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ सीमेंट स्ट्रेंथ रिडक्शन क्यों यूज नहीं करना है इट हेज़ बीन सीन थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू रिसर्च की अगर आप अपने बैग को तीन महीने तक यूज रखोगे बिना यूज़ करे तो ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा अगर आप छः महीने तक रखोगे तो थर्टी टू फोर्टी परसेंट का रिडक्शन होगा अगर आप एक साल तक रखोगे तो फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट उसका जो स्ट्रेंथ होगा कम होगा ओके दिस इज वॉट पीपल हैीन उसके बाद भी अगर आपको यूज करना है यू कैन मेक यूज ऑफ अ टेस्ट ऑन देट एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपका स्टैंडर्ड्स uh, के अंदर है यानी कि यूज है अब देखो कोविड के टाइम में लगभग एक साल तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टॉप हुआ था बहुत लोगों ने सीमेंट बैग मंगवा के रखा था बहुत लोगों के गोडाउन में सीमेंट बैग था क्या हमने उसको पूरा फेंक दिया नहीं वी एट डिट अ टेस्ट ऑन दैट टेस्ट करने के बाद अगर हमें लगा कि नहीं इसका स्ट्रेंथ और भी ठीक है तो हमने उसको यूज़ किया है ओके okay? पर बैग के ऊपर कितने महीने लिखा रहे दैट इज थ्री मंथ इवन आफ्टर दैट कैन यू यूज इट या प्रोवाइडेड वी हैव टू डू द टेस्ट ऑन दैट में भी आप कंप्रेसिव टेस्टिंग करोगे उसके ऊपर फिर आप नॉर्मल और भी बहुत सारे आ, टेस्ट होते हैं जो फील्ड टेस्ट होते हैं तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे किया जाता है राइट सो आई होप यू एन्जॉयड माई लेक्चर अप टू या थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाँ ठीक है अब एक और चीज़ भी याद रखना देखो ये आपका पूरा सीमेंट का बैग है इसमें ना एक ब्रांड का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा दे मज की वन मोर क्वेश्चन ऑल्सो समेंट के बैग के ऊपर क्या क्या लिखा रहेगा और मे भी आप फ्रेश लेटर वो भी आपको एक केस स्टडी भी दे सकते हैं मान लो आप एक फ्रेशर इंजीनियर हो और आप सीमेंट के बैग के ऊपर क्या क्या आप देखोगे ओके एक तो कंपनी का नाम रहेगा ठीक है फिर इसका एम रहेगा एम ऑफ अ बैग यूजली आजकल मार्केट में तीन सौ रुपए का प्राइस चल रहा है एक सीमेंट बैग और एक सीमेंट बैग पचास के का रहेगा ठीक है तो एम लिखा रहेगा यहाँ यहाँ पे मैन्युफेक्चर नेम लिखा रहेगा ठीक है तो ब्रांड का नेम है ये तो मैनुफेक्चर का नेम रहेगा फिर यहाँ पे क्या लिखा रहेगा ग्रेड एंड टाइप ऑफ सीमेंट ग्रेड मतलब

वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना ये सारे चीज आपके बैक के ऊपर लिखा रहेगा वेरी सिंपल सो आई होप आपने अपने लेक्चर्स को यहां तक एंजॉय किया ट्राई टू नोट डाउन नोट्स जो मैं समझा रहा हूँ आप उस टाइम पे आपको दिमाग में चला जाएगा आफ्टर सम टाइम विल ट्राई टू डेफिनेटली फॉरगेट ओके तो इसको नोट्स बनाओ टाइम लगेगा टाइम लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं खुद से नोट्स बनाओ एंड इट विल इट विल बी बीर विद लाइफ टाइम ओके टाइम तो लगेगा मेरे से नोट्स मत पूछा करो मैं नोट्स कभी देता नहीं आप नोट्स बना लो ठीक है और पीपीटी भी नहीं दूंगा आप नोट्स बना लो एंड विल रिमेम एंड यूल ऑलवेज रिमेंबर दैट ठीक है विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू